जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन से पहले आज के दिवस की विशेषताएं जान लेते हैं। कमल नयन हरि करो करे। शीतकाल प्रारंभ हो गया है, इसके साथ ही श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणाली का में भी वैज्ञानिक आधार पर प्रभु के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निर्धारित विशिष्ट भोग सामग्रियां अरोगाई जाती हैं, जिन्हें मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि शीतकाल में बालकों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ खिलाए जाएं तो बालकों की बुद्धि सहित देह पुष्ट होती है तथा वर्ष भर बालक स्वस्थ रहता है तथा यही आधार बालक को जीवन भर भी स्वस्थ रखता है। श्री जी में इसकी भावना यह है कि प्रभु श्री जी को 7 वर्ष के बाल स्वरूप मानकर ही सेवा प्रणाली का निर्धारित की गई है। यहाँ तक कि कानूनी मामलों में भी श्री जी को नाबालिग के रूप में ही मान्यता दी गई है। इसी भाव से श्री जी को शीतकाल में यह विशेष भोग अरोगाए जाते हैं, जिनमें आज सखड़ी का यह पहला मंगल भोग है। वैसे तो श्री जी को नित्य ही मंगल भोग अरोगाया जाता है, परंतु गोप मास और धनुर्मास में 4 सखड़ी की सामग्रियों वाले मंगल भोग एवं 4 द्वादशी की चौकी विशेष रूप से अरोगाई जाती हैं। भाव यह है कि बाल कृष्ण पुष्ट रहें। इस भावना से पूर्व में समस्त 7ों घरों से उनकी बहु बेटियां अपने प्यारे प्रभु को नित नूतन सामग्री सिद्ध करके अरोगाती थीं। इसे ही मंगल भोग कहते हैं। अब ये सामग्रियां श्री नवनीत प्रिया जी एवं द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से ही सिद्ध होकर आती हैं। श्री जी में यह सामग्रियां सिद्ध नहीं होती हैं। मंगल भोग में 2 मंगल भोग श्री नवनीत प्रिया जी के घर के एवं 2 द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर के होते हैं। अर्थात इन 4ों दिनों में संबंधित घर से श्री जी के भोग हेतु सामग्री मंगल भोग में आती है। इनकी यह विशेषता है कि इन 4ों मंगल भोग में सखड़ी की सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। आज का मंगल भोग श्री नवनीत प्रिया जी के घर का है, जिसमें विशेष रूप से सखड़ी रसोई घर में सिद्ध चावल की खीर एवं रोटी के साथ शाक घर दूध घर खासा भंडार से विविध पौष्टिक सामग्रियां श्री जी के भोग हेतु आती हैं। इन सामग्रियों का अवलोकन करेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे कि शाक घर से 4 कटोरी आधा नींबू पाचरी टेंटी, दूध घर से माखन मलाई, खासा भंडार से बूरा मिश्री गुड़ तथा लोनी घी, सखड़ी रसोई से उपलेटा भरमा बैंगन भरमा भुजेना चकती 2 शाक आखे बैंगन का तथा काली मिर्ची का, इनके साथ सादा रोटी भी अरोगाई जाती है। बाल भोग से खीर और राजभोग में उड़द की रोटी गुड़ बूरा लोनी घी, इसी प्रकार जितने मंगल भोग होते हैं उनमें यह सामग्रियां फिरती हुई आती हैं। ज़्यादा भी होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं, विविध व्यंजन होते हैं जो एक से नहीं होते हैं, बैंगन भात आदि अनेक प्रकार की सामग्रियां होती हैं। वहीं दोनों शीतकाल के मास गोप मास मृगसर एवं धनुर्मास पौष में 4 द्वादशियां होती हैं। इन 4 द्वादशियों को प्रभु को द्वादशी की चौकी पर भोग अरोगाया जाता है। इनकी भावनाओं को साझा करें तो द्वादशियों को गोप कन्याओं ने श्री यमुना जी की विशेष सेवा की थी। ब्रजललनाओं की भावना थी कि जैसे प्रभु स्वामिनी जी के वशीभूत सुखदान करते रहते हैं, वैसी ही हमारी भी इच्छा है। अतः गिरिराज स्वरूप श्री जी के बैंगनी वक्ष स्थल पर फतवी सुनहरी जरी की स्वामिनी वत धारण कराई जाती है। वहीं श्री यमुना जी की ओर से नंद कुमार को विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इसी भाव से 4 द्वादशी की चौकी मंगल भोग में आती हैं।
उल्लेखनीय तथ्य यह है कि द्वादशी की सभी चौकियां श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ से आती हैं, जबकि इनकी महत्ता द्वितीय ग्रह श्री विट्ठलनाथ जी से ली गई है, जहाँ वर्ष भर द्वादशी पर अलग भोग माला एवं सेवा होती है। दोनों की भावना प्रभु के बाल स्वरूप को पुष्ट करने की है। इन दिनों श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। मंगला से राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिवसों की तुलना में थोड़ा जल्दी होता है। आज के मंगल भोग की सेवा श्री कृष्णावती जी की ओर से होती है। आज विशेष रूप से मोती के काम वाले वस्त्र, गोलपाग एवं श्रृंगार आदि नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकाय श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। कीर्तन भी मोती की भावना वाले गाए जाते हैं। इस अद्भुत परंपरा की भावना में सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का सूत्र छिपा है। यदि मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी की सामग्रियों का आप वैज्ञानिक तथ्यों से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि शीतकाल में पौष्टिकता प्रदान करने वाली यह सर्वश्रेष्ठ सामग्रियां हैं। इनको भोग अथवा भोजन की प्रणाली में शामिल करके कोई भी पौष्टिकता प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। आइए अब प्रभु श्रीनाथ जी के आज के दर्शन कर लेते हैं और जानते हैं श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शनों के क्या समय हैं। नमामि अमुनामहं सकल से आज मार्ग शीर्ष कृष्ण नवमी बुधवार 9 दिसंबर 2020 है। भाव कीर्तन राग नायकी में है। मेरो आज श्री जी की साज सेवा में श्याम रंग की साटन की रुपहरे मोतियों की बूटियों वाली तथा रुपहरी जरी की किनारी के हाशिया वाली बिछवाई सजाई जाती है। गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है। वस्त्र सेवा में आज प्रभु को श्याम रंग की साटन के ऊपर बसरा के मोतियों के सुंदर काम वाले मोजा जी, सूथन, घेरदार वागा एवं चोली धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र गहरे लाल रंग के धराए जाते हैं। श्रृंगार आभरण सेवा के दर्शन करें तो प्रभु को आज छोटा हल्का श्रृंगार धराया जाता है। सभी आभरण मोती के धराए जाते हैं। श्री मस्तक पर श्याम रंग की मोती के काम वाली गोल पाग, सिर पेच, दोहरा मोतियों का कतरा एवं बाईं ओर शीश फूल धराया जाता है। श्री कर्ण में एक जोड़ी मोती के कर्णफूल धराए जाते हैं। श्वेत एवं पीले पुष्पों की गुलाबी थाग वाली दो सुंदर माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में मोती के वेणु जी एवं वेत्र जी धराए जाते हैं। पट श्याम एवं गोटी चांदी की रखी जाती है।
संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के छोटे श्रृंगार धराए जाते हैं। श्रीमस्तक पर लोमतुर्रा रूपहरी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में जलते निकस तीर सब आओ, राजभोग में मोती ते ही ठोर सब रारे, आरती में ते मेरी मोतिन की लड़ तोड़ी, शयन में आज बनी ब्रखवान कुंवर, मान के पद में बढ़ चढ़ बिडर गई, पोड़वे के पद में रच रुच सेज बनाई, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गान किया जाता है। श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है। आइए अब कोरोना की दिशा निर्देशों के अनुसार श्री जी के दर्शनों का समय देख लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखते रहिए दिव्य शंखनाद। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद। दिव्य शंखनाद के लिए कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ कैलाश पालीवाल, कुलदीप शर्मा, राजूभाई सनाट्य, कमलेश पालीवाल, जतिन सनाट्य और कांकरोली से गौरव पालीवाल की प्रस्तुति। कीर्तन श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला काकासा एवं रवि गोपाल जी मापावाला, कीर्तन समाज नागपुर से आभार। पुष्टि सृष्टि से दर्शन भेजने वाले सभी वैष्णवों का विशेष आभार। जय श्री कृष्ण।